सो फाइनली हमको कल टाइटल टीजर देखने को मिला थलापति विजय की नई मूवी, वो भी लोकेश कनगराज के साथ में, जिसका नाम है लियो ब्लडी स्ट्रीट। एंड भाई इसका टाइटल अनाउंस करने से पहले कितना इसका हाइप बनाया था भाई, उन्होंने पोस्टर रिलीज किया और क्या ही लेवल का पोस्टर, मतलब लोग पागल हो गए देख के भाई, खून में लिपटा हुआ और ऐसे हाथ भाई अमेजिंग भाई। उसके बाद तो भाई जो हाइप थी ना कि भाई क्या नाम होगा क्या नाम होगा, क्या ये एलसीओ का पार्ट होने वाला है, मतलब एलसीओ मतलब लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का क्या पार्ट होगा, क्या लियो मूवी उस यूनिवर्स का पार्ट है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। और बहुत सारे कनेक्शन उन्होंने इस टीजर के अंदर, मतलब इसे मैं बोल सकता हूँ ईस्टर एग्स बोल सकता हूँ, छोटे छोटे उन्होंने इस टीजर के अंदर हमको ड्रॉप किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बहुत टीजर के बारे में बता रहा हूँ कि इस टीजर के अंदर था क्या। तो हमारे थालापति विजय वो एक मतलब बेकरी के अंदर कुछ लग रहा है कि वो चॉकलेट बनाते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक तलवार भी बना रहे हैं और कुछ मतलब चॉकलेट्स भी बना रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत है टीजर की वो मतलब ऐसे डाइनिंग टेबल से होती। एंड सेकंड बात की इस मूवी की जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है एंड इसकी लोकेशन है वो कश्मीर है, मतलब इस बार वो जाएंगे नॉर्थ के अंदर। एंड नॉर्थ के अंदर हमको एक और बहुत ही बड़ा वाला मतलब ऐसे हमारा हीरो देखने को मिलेगा, बाकी जगह हमने देख लिया ना। और अब बात करूं मैं अगर कनेक्शंस की तो कैथी मूवी से इसके अंदर मतलब बहुत सारे कनेक्शंस नहीं है, लेकिन कुछ कनेक्शंस है इस टीजर के अंदर। अगर आपने कैथी मूवी देखी है तो आपको वो सीन तो याद होगा जिसके अंदर जो हमारा मेन हीरो है वो मतलब ऐसे वो बिरयानी खाते हुए बोलता है कि जब मैं जेल में था तो मैंने 3 साल तक मतलब बेकरी में काम किया था, तो क्या वो बेकरी यही है, तो मतलब वो कनेक्शन भी लोग बता रहे हैं कि हाँ ये वहां पर कनेक्शन हो सकता है। सेकंड चीज, हमने जो विक्रम मूवी देखी थी उसके अंदर जो स्कॉर्पियन मतलब एक ना स्कॉर्पियन का बहुत ज्यादा यूज हुआ था, मतलब जो ड्रेस के कट्टे बोल सकते हो या फिर जो भी बोरे वगैरह कुछ भी थे उसके ऊपर स्कॉर्पियन का मतलब चिन्ह बना हुआ था, और रोलेक्स का भी मतलब कनेक्शन था कुछ स्कॉर्पियन से। तो इस टीजर के अंदर भी हमको एक मतलब ऐसे बोरे का जैसे पड़ा हुआ कट्टा दिख रहा है जिसके अंदर से मतलब स्कॉर्पियन का चिन्ह ने वहां पर किसी नोटिस किया, तो क्या भाई ये मूवी मतलब विक्रम मूवी से कनेक्टेड है। और ये कम है तो अभी बहुत सारे ईस्टर एग्स और मतलब कनेक्शन देना बाकी है, रुको सही है। एंड एक चीज और जो इसके अंदर हमको कार देखने को मिल रही है, मतलब बहुत सारी कार्स है वो आ रही है ब्लैक कलर की, जो हमने विक्रम मूवी के अंदर जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था उसके अंदर भी हमने रोलेक्स के साथ इतनी सारी गाड़ी देखी थी, मतलब सेम टू सेम लग रही है अभी। और हमारे टीजर के अंदर जो लियो ने हाथ के अंदर एक सीड्स जैसे पकड़ कर रखा है ना सीड को, वो है इरिथ्रोक्सिलिन मतलब कोका सीड्स, जो कि विक्रम मूवी के अंदर विक्रम ने भी यूज किया था इस वर्ड का, जहां पर वो बोलता है कि ये ना पक्का ये जो ड्रग्स है वो इरिथ्रोक्सिलिन ही है। अब नाम तो सोलो यार इंग्लिश थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ आप कनेक्शन समझो कि उस मूवी से विक्रम मूवी के अंदर भी इसका यूज हुआ था एंड इसके अंदर भी इसका यूज होने वाला है, उन्होंने हाथ में पकड़ रखा है भाई, साफ साफ दिख रहा है। एंड एक चीज और की जो हमारे विक्रम मूवी का मतलब ऐसे टाइटल टीजर जो अनाउंसमेंट हुआ था एंड उसकी स्टार्टिंग भी कुछ ऐसी होती डाइनिंग टेबल से, मतलब एक आंख से या फिर बोलूं कि मतलब ऐसे जो कश्मीर का मतलब दूर का इलाका दिखा रहे हैं, एक घर ऐसे बना हुआ है सुनसान, वैसे ही कुछ उसकी भी अनाउंसमेंट हुई थी। तो क्या भाई कनेक्शन है, क्या ये मूवी एलसीओ का पार्ट है। एंड एक सबसे बड़ी चीज की इस मूवी के अंदर हमारे संजय दत्त को विलन के लिए कास्ट कर लिया गया है, अब उनको मूवी के अंदर रखा है तो भाई विलन ही रखेंगे ना, ऐसे साइड रोल के लिए तो रखने वाले नहीं है भाई। देखो यार मैंने तो इसके ऊपर इतनी सारी डिटेल्स निकाली है, कुछ तो एक मतलब काम की हो सकती है, और क्या पता भाई ये मूवी एलसीओ का पार्ट ना हो। आपको क्या लगता है कि यह मूवी एलसीओ का पार्ट होगी या नहीं होगी, और भाई इस मूवी के अंदर क्या होगा भाई, वो भी मेरे को थोड़ा बहुत कमेंट में बता देना। और अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। इट्स योर बॉय हरीश।